तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और ये वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसके नीचे कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए फिर मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बसरा और उसकी टीम जो है यहाँ लावहट के महल में आ चुकी होती है। लावहट कहता है कि मुझे तुम सबसे मिलके अच्छा लगा, और खासकर जो डॉटर है विल्बर्ट की उससे भी, और जिनसान के बेटे तुमसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इनको जो है जाने को बोलते हैं। रास्ते में जो बसरा होता है वो अपने डैड की दी हुई बात को याद करता है। उनके डैड बताते हैं कि यहाँ पे लावहट के महल जो है वो किस तरह का है। तो यहाँ बसरा सोच रहा होता है कि जैसा डैड ने कहा था वैसा ही ये महल है। अभी यहाँ पे जो करंट डायमंड लॉर्ड है और जो काउंसिल के मेंबर है वो दोनों का व्यवहार आपस में अच्छा नहीं है। आगे जब वो जाता है तो देखता है कि यहाँ पे टाकी कावा होता है, जो कि यहाँ पे उसे लाइरस कह के बुलाते हैं। जब बसरा जो है लाइरस के साइड से गुजरता है तो यहाँ पे वो कहता है कि आज का दिन जो है बहुत ही आसान है, तो तुम जो हो इसे आसानी से जा सकते हो, और जो है तुम कल टुमारो अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि ये सभी जो है रूम में आ जाते हैं, जहाँ कुर्मी जो है अपने मैजिक का यूज करके कहती है कि यहाँ पे सब कुछ सेफ है, यहाँ पे कोई अब ट्रैप नहीं है, और हमें कोई भी अब यहाँ देख नहीं रहा है। यहाँ जो बसरा होता है वो सोचता है कि मुझे पता है कि ये लोग जो है हमें क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये जो है हमको आसानी से हरा देंगे, इसीलिए वो जो है हम पे नज़र नहीं रख रहे हैं। बसरा जो होता है यहाँ अपने डैड की बात को याद करता है। उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारे पास 3 लिमिट है, और तुम्हें लावहट से लड़ने के लिए एक लिमिट को जो है ओपन करना पड़ेगा। अगर तुम 2 लिमिट्स को ओपन करते हो तो तुम्हें जो है उससे हर्ट हो सकता है, तो ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मारिया होती है वो कहती है कि हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, और हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मियो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, तो हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं गेम। गेम का मतलब ये होता है कि ये जो है वही गंदे वाले काम को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसी से जो है इन सभी लड़कियों की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए मियो यहाँ पे कहती है कि चलो स्टार्ट करते हैं, और यूकी जो है कहती है कि मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तो यहाँ मारिया जो है वो बसरा को कहती है कि बस तुम्हारे ऑर्डर का इंतज़ार है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी अपने कपड़े उतार कर यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। बसरा जो होता है इन सबको बड़ी ही ध्यान से देख रहा होता है। बसरा को देखकर यहाँ मियो कहती है कि लगता है बसरा जो है मुझे देख रहा है, और यहीं पे सीन चेंज होता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे एक डेमन जो है वो बहुत ज़्यादा टच कर रहा है। यहाँ पे इस जैसी लड़कियों को वो जो है टच करके उनकी जो है पूरी बॉडी को तहस महस कर देता है, और ये जो लड़की होती है वो भी मर जाती है। फिर हम देखते हैं वो अपने सर्वेंट को कहता है कि इन सबको गायब कर दो, तो बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं तो सबको वो गायब कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ कहता है कि वो जो विल्बर्ट की चाइल्ड है, यानी यहाँ पे वो मियो की बात कर रहा है, उसका टेस्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। और यहीं सीन चेंज हो जाता है, और बसरा और मियो यहाँ पे किस कर रहे होते हैं, और यूकी भी यहाँ पे होती है, और कुर्मी भी यहीं पे होती है। अब चलिए मैं सीन को चेंज करता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है महल से कोई आ रहा होता है, और जो लोग होते हैं वो नारे लगा रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस बग्गी के अंदर जो है रामसूस और उसके 2 मेड होती हैं। ये लोग जो है रामसूस से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जो यहाँ के लोग हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यूकी और जो कुर्मी होती है वो सो रही होती है, बट मियो की थोड़ी सी आंख खुल जाती है तो वो देखती है, तो वो बसरा को जाते हुए देख रही है। यहाँ पे उसे देखकर वो आवाज़ लगाती है कि बसरा, बट बसरा सुनता नहीं है क्योंकि वो किसी से मिलने जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि ताकी गावा जो है अपने फ़ोन के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो इससे मिलने वाला है वो बसाची होता है, बसाची यानी कि बसरा होता है। तो यहाँ पे ताकी गावा कहता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुला लिया है। तो यहाँ पे जो बसरा होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ देना, बट मुझे जो है तुम्हारी एक फेवर की जरूरत है, तो मुझे चाहता हूँ कि तुम मेरी जो है हेल्प कर दो।
अब ये परफ्यूम क्यों ले रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। और सांस में जो ताकीगावा होता है उसे भी समझ नहीं आता कि ये परफ्यूम क्यों मांग रहा है, तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जो है साइड में जो बैठे होते हैं बार के अंदर, वो भी कहते हैं कि जो वहाँ के बंदे आए हैं उन्हें जल्द से जल्द हमको भी मारना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो युकी होती है वो सपने में देख रही होती है, उसके सभी दोस्तों को यहाँ पे बसरा ने मार दिया है। अब वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तभी जो यहाँ पे युकी की आंखें खुल जाती हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकीगावा यहाँ पे पैसे देकर परफ्यूम को ले लेता है और वहाँ से वो जो है चला जाता है। जो बंदा इसे परफ्यूम देता है वो कहता है कि दोबारा आना। रास्ते में जाते हुए ताकीगावा सोचता है कि पता नहीं वो क्या प्लान कर रहा है बासरा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रात के में जो बसरा होता है अपने फ़ोन के साथ कुछ कर रहा होता है। जो वो कर रहा होता है वो जो है मियो ने देख लिया होता है, तो वो उसके पास आती है, कहती है कि लगता है कि तुम जिंसान से कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ जो जिंसान होते हैं वो बसरा के डैड होते हैं, तो बसरा मियो को बताता है कि हाँ तुम ऐसा ही कुछ समझ सकती हो कि मैं उनसे ही कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। अब चलो हम जो है चलते हैं क्योंकि जो है हमें थोड़ा सा सोना चाहिए क्योंकि कल जो है तुम्हारी फाइट है। तो वो जो है उसे पीछे से हक कर लेती है, तो बसरा यहाँ पे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए बट तुम मुझ पे जो है बिलीव करना। मियो जो होती है इसकी बातों को सुनकर वो उसे पास में आकर किस कर लेती है और इस तरह ये दोनों हग कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ताकीगावा का मैसेज आ जाता है, तो बसरा यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट डे फाइट स्टार्ट होने वाला होता है और यहाँ जो मियो है वो कहती है कि मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई मैं डेमन लॉर्ड की बेटी नहीं हूँ, मैं जो हूँ यहाँ पे फाइट करने अपने बलबूते पे आई हूँ और तुम लोग ध्यान रखना कि मैं जो हूँ एक मियो सामा हूँ और मैं एक पर्सन हूँ जो यहाँ पे सिर्फ फाइट करने के लिए आई हूँ। ऐसा जो है वो यहाँ पे काउंसिल के बंदे जो होते हैं वो सुन लेते हैं और वो जो है यहाँ पे लावहट को बताते हैं, तो वो कहता है उसका दोस्त या फिर उसको जो है लावहट का सर्वेंट भी कह सकते हो, वो कहता है कि काउंसिल के जो मेम्बर हैं वो कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लावहट कहता है कि ये सब वॉर का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे जो एंकर होती है वो कहती है कि लुका और मियो की फाइट होगी। लुका नाम की लड़की को आपने पिछले से एपिसोड में देखे होंगे। यहाँ पे लुका जो होती है लावहट की बहुत अच्छी दोस्त होती है। यहाँ पे वो फाइट करने के लिए जो हीरो स्पिरिट होता है उसको लेके आती है, वो जो है बहुत ही बड़ा होता है और वो यहाँ पे फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। पहला जो अटैक होता है ये जो करता है हीरो स्पिरिट का बंदा, यहाँ पे जो है वो अपने मैजिक से बहुत बुरा अटैक करता है मियो के ऊपर, बट मियो जो होती है अपना गार्ड लगा के अपने मैजिक का यूज़ करती है जिसके जो उसके बॉडी के पार्ट होते हैं वो टूट जाते हैं, बट ये जो है अपनी बॉडी के पार्ट को दोबारा रिकवर कर सकता है। यहाँ पे जो लुका होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे वो दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देती है, बट इस बार जो मियो है उसको जो है अटैक लग जाता है और यहाँ की जो ऑडियंस है वो कहती है कि मार दो इसे। यहाँ जो मियो होती है वो बसरा की दिलाई हुई बात को याद करती है और वो कहता है कि तुम कभी भी बैटल में पीछे मत हटना और मैं जो हूँ किसी काम के लिए जा रहा हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा वापस आऊँगा। मियो जो होती है उसकी बातों को याद कर रही होती है, वो कहती है कि बसरा ने मुझे प्रॉमिस किया था, और ये जो है यहाँ पे अटैक कर देता है और इसे देखकर जो है सभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो उसे टीवी पे देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो मियो होती है अपनी जो पावर है उसको एक्टिवेट करती है और हम देखते हैं कि यहाँ जो है मियो अपने जो मैजिक स्पेल से कहती है कि मैं इसको जो 100 times मार दूंगी और ये जो है सच में जो है उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो एक बार में ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जो लुका होती है उसे विश्वास नहीं होता है कि वो जो है इस तरह ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे वो चली जाती है मियो, बट यहाँ की जो ऑडियंस होती है उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो लोग जो है यहाँ पे कुछ चिल्ला नहीं पाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ जो मारिया होती है वो फाइट करने के लिए जा रही होती है। मियो उसे कहती है कि बसरा पे विश्वास रखना, वो दोबारा ज़रूर फाइट करने के लिए आएगा। और यहाँ पे जो उसकी मेड होती है रामसूस की,
वो उसे देखकर कहती है कि मारिया जो है उसका सेकंड मैच है, तो मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहती हूँ। वो टीवी के अंदर से ही कहती है। और हम देखते हैं कि मारिया के साथ फाइट करने वाला जो होता है वो लाइरस होता है। लाइरस को देखकर वो दूसरी मेड होती है रामजूस की, वो जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और गलती से उसे जो है चाय का कप भी गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो जो है लाइरस से प्यार करती है। लाइरस जो होता है वो उसका बचपन का दोस्त होता है। अब यहीं पे जो है हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।